नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अगस्त 2020 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो जो मीन राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है, मतलब 17 तारीख से आगे आने वाला जो संपूर्ण महीना होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको कुछ करियर के नए अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, नई जॉब वगैरह मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जो लोग पहले से ही जॉब में हैं, उनके काम की सराहना हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा ये जो रवि का भ्रमण होगा आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लेकिन दूसरी भी बात है इसमें, जो व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रसित है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना मतलब 17 तारीख के बाद का जो महीना है, वो छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, तो मंगल ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में ऐसी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको पिछले महीने डेढ़ महीने से नहीं आ रही थी, और जैसे ये मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, तो आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके स्पेंडिंग वगैरह भी बढ़ सकते हैं। देखिए, आपकी राशि का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप खर्चे जल्दी कर लेते हो। आपकी राशि है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा भावनाशील है और निर्णय जल्दी नहीं ले पाती, इसी वजह से थोड़ा बहुत आपसे खर्चे वगैरह होने के चांसेस है। और ये जो खर्चे रहेंगे वो आपके फैमिली के ऊपर ही होने के चांसेस है, लेकिन खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखना भी आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार बुध ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, तो बुध ग्रह भी आपके पंचम भाव में है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये बुध ग्रह भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, तो गुरु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, लेकिन पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और भाग्य नवम दृष्टि से ये आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि जो मीन राशि के व्यक्ति जिनको काम धाम नहीं है या फिर जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसके उनके लिए ये जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे इनकम के रिटर्न्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार घर के लोग हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर अगर कोई तकरार हो रही थी, वो भी रिलेशनशिप के मामले में जो भी है, तो प्रॉब्लम वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार शुक्र के बारे में अगर देखा जाए, तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और संपूर्ण महीना ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में ही रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सिर्फ दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके घर के जो महिला सदस्य होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं, अगर ऐसे कोई संकेत या फिर लक्षण आपको दिखाई दे तो उसके ऊपर तुरंत काम करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तृतीय ये वक्री है, तृतीय दृष्टि से आपकी के राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है और दशम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। अभी ये जो शनि ग्रह है, ये भी आपके लिए ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम वगैरह खड़ी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आपको जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके खर्चे वगैरह हो सकते हैं या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, बस वही थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। और आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा भावनाशील है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपके लिए काफ़ी बड़ा या फिर महत्वपूर्ण होता है। बस वही बात है, या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ग्रहों का भ्रमण इस महीने का आपके लिए शुभ फलदायी ही होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग है उनके बारे में। हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वह कालावधि 1, 2, 3 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में आप आपके सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, या वहाँ पर के जो वरिष्ठ लोग होंगे, आपके अहदे से जो ऊंचे लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो वहीं पर कुछ खींचातानी वगैरह हो सकती है, तो ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लिए रनाकनी हो सकती है, खुद पर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार
शुक्र और राहु की युति होने जा रही है। अब ये जो शुक्र राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका जो कालावधि है वह कालावधि 4, 5 और 6 तारीख तक होगा। तो इस कालावधि में पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फंसने के पूरी तरह से चांसेस है और आप मिसगाइड भी हो सकते हो। जो कालावधि है अच्छी तरीके से ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अभी देखिए इस कालावधि में भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके उनके उनके साथ ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो ध्यान में देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और रवि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो दिन है वो 16 तारीख का है। मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो 14, 15 और 16 ये जो तारीख है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इस कालावधि में जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो जो भी रुके हुए काम है किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, अगर आपके फाइनेंस के बारे में है, घर के बारे में है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है, सोशल है, सामाजिक है या फिर पर्सनल है, जो भी काम आपके अटके हुए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो इस कालावधि में ज़रूर हाथ में लेना, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार मंगल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर जो योग है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर अगर कोई तकरार हुई है तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। कुछ नए आप करियर के बारे में एस्पेक्ट वगैरह ढूंढ सकते हो। अगर आपके मन में किसी नए प्रकार के करियर की शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो या फिर नए जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी सकारात्मक जो वातावरण है वो तैयार हो जाएगा, आपको अच्छी जॉब वगैरह भी मिल जाएगी। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहे हैं। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो आपकी जो हारमोनी है, जो संबंध है, वह काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। उसी प्रकार शनि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 23, 24 और 25 तारीख को है। तो इस कालावधि में आपके जो खर्चे है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार पैसे के मामलों को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है, वो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए ये जो कालावधि है थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 23, 24 और 25 तारीख का। उसी प्रकार हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें हारमनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ अनाकनी हो गई है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। इसका जो कालावधि है वो 24, 25 और 26 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है उसके साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपको इस कालावधि में इजी मनी, जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो इजी मनी मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और इसी कालावधि में आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए भी कुछ खर्चे करोगे या फिर उनकी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी करोगे। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वह भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो इसमें इस कालावधि में, इसका जो कालावधि है वो 29 और 30 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी जो राशि है छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है और उसकी वजह से आपका जो मूड है वो चला जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये थे ग्रहयोग और उसके होने वाले परिणाम। उसी प्रकार हम और एक बात देखेंगे कि हर महीने में अमावस और पूर्णिमा आते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं वो भी ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा में चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो भावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती है और आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील है,
तो इसी वजह से इन 2 दिनों में, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, इस 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, और किसी भी प्रकार के मतलब शुभ जो काम है वो भी नहीं करना। अभी ये जो कालावधि है, पूर्णिमा होगी 3 तारीख को, अमावस होगी 19 तारीख को, तो ये 3 तारीख और 19 तारीख, यह 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2020 के लिए मीन राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।